नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। और ये खास प्रोग्राम आपके लिए है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो एक हम एक विषय पर बात करते हैं और एक विषय में स्पेशलिस्ट जो होते हैं उस डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके बारे में नहीं जानते या उन्हें नहीं पता होता, तो हम उस पर बात करेंगे। और यदि आप लोगों को कोई सवाल हो या आपको लगता है कि उससे संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे पूछ सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर देवेंद्र चंदोरिया जी हैं जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, जैसा कि मैंने अपने तमाम दर्शकों से कहा भी कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एनेस्थीसिया के बारे में नहीं जानते होंगे। एक नॉर्मल सी जो कॉमन जानकारी होती है कि अमूमन ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, किन किन स्टेजेस पे दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये मुझे लगता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो आज हम उस पर बात भी करेंगे। डॉक्टर देवेंद्र, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि एनेस्थीसिया जो दिया जाता है एक्चुअल में होता क्या है और इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है। गुड इवनिंग राखी। जब भी हम किसी ऑपरेशन की बात करेंगे तो एनेस्थीसिया का नाम भी बिल्कुल लिया जाएगा। कोई भी ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ ऑपरेशन होगा वहाँ एनेस्थीसिया होगा। एक आम चीज़ अपने दिमाग में हम रख सकते हैं सभी लोग। चलिए, और जैसे कि एनेस्थीसिया की बात निकली है, और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? जब पेशेंट एडमिट होता है उसका पूरा वर्कअप हॉस्पिटल में किया जाता है। ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया का भी ध्यान रखा जाता है कि वो पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए फिट है कि नहीं। जो पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए फिट है केवल वही पेशेंट ऑपरेट किया जाता है। एनेस्थीसिया के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स की एक पूरी लिस्ट होती है, उसको फुलफिल करने के बाद ही हम कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट कराने के लिए अलाउ करते हैं। अच्छा, जो भी पेशेंट होते हैं डॉक्टर देवेन, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे आपने कहा कि पेशेंट की पूरी जो कंडीशन होती है वो देखकर एनेस्थीसिया दिया जाता है, किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखते हैं? राइट फ्रॉम द बिगनिंग पेशेंट की एज, बच्चों से लेके एजड पेशेंट में सभी में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। बच्चों का एनेस्थीसिया में पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, बच्चों की सर्जरीज भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो जो एनेस्थीसिया हम एडल्ट में यूज़ करते हैं वो हम बच्चों में नहीं करते, या फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। एडल्ट में भी, एडल्ट में टाइप ऑफ एनेस्थीसिया और उनके रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं, और एजड पेशेंट जो रहते हैं, जेरियाट्रिक पेशेंट जिनको हम बोलते हैं, उनमें अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अगर एक एक करके हम बात करेंगे तो उसको डिस्क्राइब भी करते जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जब ये एक स्टार्ट होता है, कोई भी पेशेंट है या उसका ऑपरेशन होना है या उसको एनेस्थीसिया दिया जाना होता है, तो इसकी प्रिपरेशन भी पहले होती है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन के पहले तमाम जांचें होती हैं, उनका बीपी भी देखा जाता है, शुगर पेशेंट है तो उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है, यदि बीपी हाई है तो ऑपरेशन भी नहीं होता। तो ऐसे ही जब एनेस्थीसिया देने की बारी आती है तो क्या उस टाइम पे भी सारी चीज़ों को देखा जाता है, या यदि कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं तो क्या नहीं दिया जाता, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जब पेशेंट ऑपरेट के लिए डेट फिक्स हो जाती है, उसके एक दिन पहले से ही पेशेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट में सबसे पहले उनका एज, जैसा कि मैंने बताया, उसके अलावा उनका NVM स्टेटस देखा जाता है, मतलब पेशेंट को ऑपरेशन के पहले मिनिमम 6 आवर्स खाली पेट रखा जाता है। इसके अलावा पेशेंट डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या कोई और पुरानी सर्जरी से तो नहीं गुजरा है ये पता करते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट या कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है, इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट रहती है। अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी पहले कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद ही पेशेंट ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। शुगर अनकंट्रोल है तो शुगर को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा भी कार्डियक पेशेंट हैं, जिन पेशेंट को इकोस्प्रिन, क्लोपिटेप, जिनको बाईपास सर्जरी हो चुकी है या फिर जिनको एंजियोग्राफी हो चुकी है, उनमें उनकी जो मेडिकेशंस हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक चलाने के बाद होल्ड करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही जब क्लियर होता है फिर हम ऑपरेशन के लिए अलाउ करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एनेस्थीसिया जो दिया जाता है कितनी देर के लिए इसका असर होता है, किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जैसे बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है, तो कितने वक्त के लिए होता है और कभी हार्मफुल तो नहीं होता, मतलब कुछ पेशेंट्स के लिए कभी ऐसी कोई चीज़ें होती हों तो?
इसके लिए हम एनेस्थीसिया ड्रग की सेंसिटिविटी करते हैं किसी भी ऑपरेशन के पहले, जिसको ज़ाइलोकेन सेंसिटिविटी कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ड्यूरेशन की आपने बात कही है, ये डिपेंड करता है कि सर्जरीज अप्रॉक्स कितना टाइम की है। मैं एक सिजेरियन सेक्शन की बात करूंगा, आधा घंटे से एक घंटे का टाइम हम लेके चलते हैं, तो उसमें ड्रग उसी क्वांटिटी का दिया जाता है कि ये एक घंटे तक इसका इफेक्ट रहे, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम खुद अलाउ नहीं करते कि पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया रहे। सभी के अपने गुड इफेक्ट्स रहते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स भी रहते हैं, तो पेशेंट सर्जरी का टाइम अप्रॉक्स करने के बाद ही हम एनेस्थीसिया का टाइम डिसाइड कर लेते हैं। मतलब जितनी देर की सर्जरी है उसके अकॉर्डिंग ही उतनी क्वांटिटी के हिसाब से ही वो दिया जाता है जी। चलिए एक चीज़ और, कैसे मतलब किसी भी सर्जरी में एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण होती है, एनेस्थीसिया का जो भी डोज आप देते हैं वो किस जगह पर इंजेक्ट होता है? अलग अलग सर्जरी के लिए अलग अलग होता होगा, मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। टाइप ऑफ सर्जरीज पे डिपेंड करता है। अगर सर्जरीज बिलो अम्ब्लाइकस है, जिसको नाभि कहते हैं, नाभि या उसके नीचे जो भी सर्जरीज होती हैं उनको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसको लोग बोलते हैं कमर में सुई लगाना, मोस्ट ऑफ दी सर्जरीज हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं। इसके अलावा जो अबव एम्ब्लाइकस हैं उनको हम जनरल एनेस्थीसिया में लेते हैं। पर एनेस्थीसिया भी अब काफ़ी एडवांस हो गया है कि रीजनल ब्लॉक्स भी लगने लगे हैं। अगर अपर आर्म की सर्जरी है, अपर लिम की सर्जरी है, तो उसमें ब्लॉक लगा दिए जाते हैं, रीजनल ब्लॉक्स। अपर लिम की सर्जरी के लिए हम ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को पूरा बेहोश करें, सिर्फ ब्लॉक लगा के उसका अपर लिम में एनेस्थीसिया दे देते हैं। ठीक है, और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं एनेस्थीसिया जिन लोगों को दिया जा रहा है, या क्योंकि लगाया ही जाता है अमूमन सभी सर्जरी से पहले, तो किन चीज़ों का और ध्यान रखें, और क्या क्या चीज़ें और इसमें ऐसी होती हैं जो लोग नहीं जानते और उन्हें जानना चाहिए? लोगों को हिस्ट्री प्रॉपर देना चाहिए, खासकर जब उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उन्हें 6 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, तो इस बात पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। इवन आधा ग्लास पानी या आधा ग्लास दूध या चाय, ये भी हार्म कर सकती है। अंडर एनेस्थीसिया में होता है, अगर पेशेंट ने कुछ खाया पिया है और एनेस्थीसिया देने के बाद, चूँकि खाने की नली से वो अंडर एनेस्थीसिया में वो खाना या पीना या कोई भी ड्रिंक या लिक्विड वो सांस की नली में आ सकता है, इससे पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। इसलिए हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि पेशेंट निल बाई माउथ होना चाहिए, मतलब एम्प्टी स्टमक होना चाहिए बिफोर 6 आवर्स प्रायर टू सर्जरी। कभी इस तरह की कोई क्रिटिकल कंडीशन, जैसे कि आपने कहा, और अमूमन मुझे लगता है सर्जरी का नाम सुन के सभी लोग डरते भी हैं, तो यदि उनको कहा गया है कि नहीं खाना है तो वो नहीं ही खाएंगे, बट कई बार होता है, कभी ऐसी कोई सिचुएशन यदि आ भी जाती है कि मान लीजिए किसी ने कुछ खाया है या चाय पानी भी ले लिया है और इस तरह की चीज़ें आएँ, तो वो कैसे उसको कंट्रोल कर पाते हैं फिर? सर्जरी पोस्टपोन करना पड़ती है हमें। अच्छा, सर्जरी पोस्टपोन कर देते हैं, विदाउट NBM हम सर्जरी लेते नहीं, एनेस्थीसिया अलाउ नहीं करते। मतलब वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए उसको कैंसिल ही करना पड़ता है। चलिए अच्छा, सर्जरी के कितनी देर पहले एनेस्थीसिया देते हैं, उसी वक्त का होता है, कितनी देर में वो इफेक्ट करता है? सर्जरी के हाफ एन आवर पहले इंडक्शन हम कर देते हैं, उसके बाद सर्जरी की प्रिपरेशन होती हैं, पेंटिंग, ड्रेपिंग एंड ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस, पेशेंट स्क्रब, सर्जन स्क्रब होते हैं, उनके असिस्टेंट स्क्रब होते हैं, ट्रॉली लगाई जाती है इंस्ट्रूमेंट की, तो इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर टू स्टार्ट सर्जरी आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया। अच्छा, सबसे ज़्यादा वक्त या सबसे ज़्यादा एक हैवी डोज कहना चाहिए एनेस्थीसिया का किस सर्जरी में कभी आपने दिया हो या देने की ज़रूरत पड़ती है? ऐसी कोई सर्जरी जिसमें बहुत वक्त लगता हो या उसमें थोड़ा सा डोज ज़्यादा देना पड़ता हो? एग्जैक्टली हैवी डोज वाला क्वेश्चन इसलिए हम सही नहीं मान सकते, इंटरमिटेंटली उसको सप्लीमेंट करके हम इन्हेंस करते रहते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ही हैवी डोज दे दिया तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, इंटरमिटेंटली हम उसको बढ़ाते जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सर्जरी डोज उसका धीरे धीरे हम सप्लीमेंट करते हैं। अच्छा,
आपने जैसे कि कहा बच्चों की सर्जरी अलग होती है, अलग तरीके से किया जाता है, एडल्ट्स की बात अलग होती है, बच्चों के लिए भी सेम प्रोसेस ही होता है या उनके लिए कोई भी यदि उनकी सर्जरी है तो उसके लिए भी यही सब चीज़ें होती हैं कि पहले से खाने के लिए भी मना कर दिया होता है या उनको भी उतनी ही देर पहले ही एनेस्थीसिया देना होता है, क्योंकि छोटे यदि बच्चे हैं या मतलब बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं किसी भी तरह की हो, तो उनका बॉडी किस तरीके से आगे चीज़ों को कर रहा है वो बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो कैसे उनको मैनेज करते हैं उस वक्त पे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। सबसे पहले टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जिस एटमॉस्फेयर में उनको रखा जा रहा है वो कोल्ड ना हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो, तो बच्चों को वार्म ही रखा जाता है। इसके अलावा उनका असेसमेंट किया जाता है, जो न्यू बॉर्न है उनमें कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है। इसके अलावा NVM का स्टेटस तो उनमें भी रखा पता करना ही पड़ता है, बच्चे तो स्वयं बता नहीं सकते इसलिए उनकी माँ से हिस्ट्री लेते हैं हम। और इसके अलावा बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ छोटे मिनी साइज़ की होती है, जो इंस्ट्रूमेंट है सर्जरी करने वाले, इवन एनेस्थीशिया देने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी छोटे होते हैं। जो डोज एनेस्थीशिया का हम अकॉर्डिंग टू वेट देते हैं, वेट पर kg बॉडी वेट, तो बच्चों में वो डोज काफ़ी कम हो जाता है, कुछ डोजेस बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान। इसके अलावा बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनमें URI अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद और एनेस्थीशिया के बाद बच्चों के स्पाज में जाने की मीन सांस लेने में दिक्कत होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उस कंडीशन में उन्हें ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है। हालाँकि आजकल वेंटिलेटर को लेके जो पुराना मिथ था कि पेशेंट वेंटिलेटर पर गया तो बाहर ही नहीं आएगा, मतलब अब कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है, वेंटिलेटर से पेशेंट बाहर आने लगे हैं। और इस तरह के पेशेंट भी अगर स्पाज में या उन्हें कोई लंग्स की प्रॉब्लम होती है, 2-3 दिन वेंटिलेटर पर रख के उनको उनकी केयर करने के बाद पेशेंट बाहर आते हैं, अच्छे से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं क्योंकि आप, तो ये बात तो समझ में आती है कि यदि कोई सर्जरी होती है तो एनेस्थीसिया को यदि इंजेक्ट करना है या देना है किसी को वो स्पेशलिस्ट ही करता है, हर कोई नहीं कर सकता, ये मैंने भी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है। ऐसी कौन सी खासियत होती है या पर्टिकुलर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करके इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। पेशेंट, मैंने पहले भी बताया कि पेशेंट की डिसीज़ पर डिपेंड करता है। अगर बिलो अम्बिलिकस कोई डिसीज़ है तो हम जो स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे, अगर अबव अम्बिलिकस है मतलब नाभि के ऊपर है, या फिर हेड एंड नेक या चेस्ट में कोई सर्जरी होना है, तो हम पेशेंट को पूरा बेहोश करते हैं। अच्छा, जब आप ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब हम यदि एनेस्थीसिया को डिस्क्राइब करना चाहें तो ये एक्चुअल में क्या है, किस तरह का एलिमेंट है और कितना इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि आप उसके स्पेशलिस्ट हैं तो स्पेशलिस्ट निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें इसके लिए रिसर्च की गई होंगी। इसलिए देखिए, सर्जरी के बारे में, सर्जरी कैन बी मेजर और माइनर, बट एनेस्थीसिया इज ऑलवेज मेजर, चाहे सर्जरी छोटी हो चाहे सर्जरी बड़ी हो, एनेस्थीसिया का रिस्क सभी में बराबर है। ऐसा नहीं है कि हम एक छोटी सर्जरी करवा रहे हैं तो एनेस्थीसिया का रिस्क नहीं है, एनेस्थीसिया बहुत रिस्की है। बाकी अब इतने एडवांसमेंट हो चुके हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट अब आ गए हैं, अपडेटेड हो चुके हैं, BP पल्स सेचुरेशन इनके लिए मॉनिटर आ चुके हैं, एनेस्थीसिया देने के लिए भी वर्क स्टेशन आ गया है, जो पुराने हमारे सीनियर बताते थे कि वो बैग एंड मास्क पकड़ के उसमें क्लोरोफॉर्म देते थे, अब इन इंस्ट्रूमेंट से, इन दवाओं से बहुत एडवांस दवाएं आ गई हैं जो बॉडी पे कम हार्मफुल इफेक्ट करती हैं। तो ये एडवांस होने के बाद प्लस स्टाफ भी अवेयर हुआ है, एक एनेस्थेटिस्ट के साथ भी एनेस्थेटिस्ट की पूरी टीम रहती है, उनके टेक्नीशियन रहते हैं और सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ रहता है, तो ये पूरी टीम मिलकर सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। और एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स होती हैं, दवाएं होती हैं, वो बहुत ही इमरजेंसी ड्रग्स में काउंट होती हैं, उनको हर कोई हैंडल नहीं करता है, ना ही किसी को अलाउ किया जाता है कि उनको टच करें। बिल्कुल। अच्छा,
इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कोई सर्जरी है और आप ही लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं वही इंजेक्ट करते हैं, इसके अलावा जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी हॉस्पिटल्स में, किसी भी क्लिनिक में, या क्योंकि कोई सीनियर भी है यदि उसके, और कौन किन किन चीज़ों को आप लोग देखते हैं? एनेस्थीसिया का फील्ड अब जो पुरानी बातें रहती थी कि बस बेहोशी वाले डॉक्टर हैं, यहाँ तक सीमित नहीं रहा है। एनेस्थीसिया का वर्क फील्ड काफ़ी एडवांस हुआ है। हमारे हॉस्पिटल हॉस्पिटल कल्चर में आईसीयू को अगर कोई देखता है तो रियल उसका इंचार्ज एनेस्थेटिस्ट ही होता है। एनेस्थेटिस्ट ही सारी क्रिटिकल केयर, वेंटिलेटर मॉनिटरिंग, पेशेंट क्रिटिकल केयर, ये सब एनेस्थेटिस्ट द्वारा ही की जाती है। पेशेंट को इंट्यूबेट करना, उनमें सेंट्रल लाइन डालना, इसके अलावा उनका डे टू डे असेसमेंट, बाकी और टीम इसमें जुड़ जाती हैं, डॉक्टर मेडिसिन और एज पर रिक्वायरमेंट जो भी डॉक्टर्स की ज़रूरत रहती है वो एनेस्थेटिस्ट ही कॉल करते हैं। बाकी एनेस्थेटिस्ट के अंडर में ही आईसीयू रहता है और एनेस्थेटिस्ट इज़ वर्किंग एज इंटेंसिविस्ट ऑल्सो। ओके, ऐसी और कौन सी चीज़ें डॉक्टर देवेन जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड हैं और जो लोगों को जानना ज़रूरी है, मैं चाहूँगी उन्हें आप खुद बताएं। एनेस्थीसिया को लेके लोग, जैसे किसी मरीज़ को पता चलता है कि उसका ऑपरेशन है और उसकी काउंसलिंग वो सर्जन से करते हैं, तो मेरा उनको एडवाइस है कि उनको एनेस्थेटिस्ट से भी काउंसलिंग करनी चाहिए। वैसे आजकल सभी हॉस्पिटल में प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, उस चेकअप में ये भी पूरा पेशेंट का असेसमेंट होता है। पेशेंट अपनी क्वेरी एनेस्थेटिस्ट से कर सकता है, अपने जो भी क्वेश्चन हैं, अपने जो भी डिस्कशन वो करना चाहता है, जो भी डर है या प्रिकॉशंस हैं, वो एनेस्थेटिस्ट से काउंसलिंग करे। तो ये मैं सलाह फिर से कहना चाहूँगा कि किसी भी मरीज़ को सर्जन के साथ एनेस्थेटिस्ट से भी काउंसलिंग करना चाहिए और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में जानकारी लेना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए वाकई में मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं, और सिर्फ ये एक बहुत अच्छी बात थी, मुझे लगता है मुझे भी पता चला, आप लोगों को भी पता चला होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं तो सिर्फ उनको इंजेक्ट करना है सर्जरी के पहले, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। डॉक्टर देवेन, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो एनेस्थीसिया के अंतर्गत आते हैं और उन चीज़ों को रूटीन में, मतलब डेली तो देखिए सब अलग अलग चीज़ों पे होता है कि सर्जरी हो रही है या नहीं हो रही है, और किन चीज़ों को इसमें ऐड ऑन किया जाता है? राखी जी, मैं कहना चाहूँगा कि एनेस्थीसिया के लिए भी, एनेस्थीसिया भी पार्ट ऑफ हेल्थ, पार्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड पार्ट ऑफ मेडिकल है, मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं। जो व्यक्ति जितना फिट होगा उसमें एनेस्थीसिया उतना ही अच्छा वर्क करेगा, पेशेंट उतने ही एनेस्थीसिया से बाहर आएंगे, एनेस्थीसिया से इन होंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो हेल्थ ही रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने आप को, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, जितना अपने आप को बीपी, शुगर, ओबेसिटी और दूसरी कोमॉर्बिडिटीज से दूर रखेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है। मैं तो चाहूँगा कि किसी का ऑपरेशन ना हो, बिना ऑपरेशन के भी स्वस्थ हों। इन केस अगर उनका ऑपरेशन होता है तो इन चीज़ों से जो उनके हाथ में है, स्वस्थ रहना इंसान के हाथ में है, वो इस तरह की डाइट लें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर देवेन बहुत शुक्रिया आप आए हमसे जुड़े और बात की। देखिए डॉक्टर देवेन हमारे साथ थे और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैंने पहले भी कहा बहुत सारे लोग नहीं जानते एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, उनका क्या क्या वर्क होता है, किन किन चीज़ों को, जो थोड़ा बहुत जानते हैं बट आम पब्लिक यदि देखेगी तो वो नहीं समझ सकती। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस प्रोग्राम के माध्यम से, और मकसद भी है कि कहीं ना कहीं जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उसके बारे में हम जितना जान पाएँ उतना ज़्यादा बहुत अच्छा होता है और आप लोगों तक भी वो तमाम चीज़ें पहुँचे। तो आज हेलो डॉक्टरों में इतना ही, और अगली बार किसी नए स्पेशलिस्ट के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।